See the question 1512 में 1511 के इक्वेशन को ही रेफर किया गया है और ये कहते हैं फॉर द वेव ऑन द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन दिस इक्वेशन डू ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी फेस एंड एम्पलीट्यूड. हमें पता है कि ये वाली वेव एक स्टेशनरी वेव है और स्टेशनरी वेव एक टाइम में ऐसी रहेगी फिर एक टाइम में ऐसी रहेगी ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे. ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचता है एट द सेम टाइम ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचता है. डिफरेंस ये है ट्रैवलिंग वेव से कि ये पार्टिकल अभी अपनी मैक्सिमम हाइट पर है और ये कभी भी इतनी हाइट अचीव नहीं करेगा हमेशा इतनी ही करेगा. ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ इसका फेज ज़ीरो है यहाँ ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुँच गया है इसलिए यहाँ पर इसका फेज पाई बाई टू है. फिर जब ये वापस यहाँ पर आएगा तो इसका फेज पाई हो जाएगा फिर जब यहाँ जाकर 3/2π और फिर जब यहाँ लौटेगा तो फिर से 2π हो जाएगा. इस तरह से इसका फेस ऐसा चेंज होता है. ये वाले पार्टिकल का इसके बराबर पहुँचने पे फेस पाई बाई टू नहीं है ये जब यहाँ पहुँचता है तब ये पाई बाई टू है. अब आप ये देख रहे हैं कि ये जब यहाँ पहुँचता है एट द सेम इंस्टेंट ये यहाँ पर है तो दोनों का फेस कैसा है सेम पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है डिफरेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड तो दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है डिफरेंट. लेकिन फेस एक टाइम पे जब ये यहाँ है ये यहाँ है और ये वाला पॉइंट सिर्फ इतनी हाइट पर है लेकिन इसके ऊपर इसको जाना ही नहीं है यही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसका फेस कितना है पाई बाई टू. तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि सब के सब एक ही फेस पे रहते फिर जब ये सब यहां पहुंचते हैं तो सब का सब फेस जीरो या टू पाई फिर जब नीचे आते हैं सब का फेस 3/2π. इसका ये मतलब है कि इनका फेस हमेशा हर पॉइंट का एक जैसा ही रहता है जबकि ट्रैवलिंग में हर पॉइंट का फेस अलग अलग होता है. ओके ये हमारा नॉलेज है स्टेशनरी वेव के बारे में. अब इन्होंने हमसे पूछा है डू ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी क्या सबकी फ्रीक्वेंसी एक समान होती है. आंसर है यस. एक सेकंड में जितनी बार ये ऐसे ऑसिलेट करेगा उतनी ही बार ये भी ऑसिलेट करेगा. सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा फ्रीक्वेंसी सेम. सेकेंड दे आर आस्किंग अबाउट फेस. हमने देखा एक टाइम पे हर एक का फेस एक जैसा ही रहता है तो फेस ऑल्सो रिमेन सेम एट एवरी इंस्टेंट. सी स्पीड ऑफ सी एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. नो डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ओके एक्सप्लेन योर आंसर. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉइंट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड. यहाँ से अगर हम यहाँ चले जाएं कितना डिस्टेंस है 0.375 मीटर देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ये हमको पता करना है. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड. ये कैसे पता लगाएंगे ये पता लगाना बहुत आसान है. हमारा अगर नॉलेज
थ्योरेटिकल नॉलेज करेक्ट है तो याद रखिए ये वाली लेंथ वेव की कितनी लेंथ होती है, फुल वन वेव लैम्डा या लैम्डा बाई टू या लैम्डा बाई फोर? यू रिमेंबर इट इज लैम्डा बाई टू, क्योंकि फुल वेव ऐसी थी। जो ट्रेवलिंग वेव का लैम्डा था वो ये था और स्टेशनरी वेव ये बनती। ओके, तो ये किसके बराबर होता है? एक नोड से लेके दूसरे नोड तक जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, और ये लेंथ हमको दी है 1.5 मीटर। सो वी नो लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 इंटू टू। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एट दिस लेंथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जब ये सब इस पोजीशन में होता है तो उस समय टाइम कितना होता है? जीरो। जब यहाँ आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? टी बाई फोर। जब यहाँ पहुँचेगा तो टाइम कितना होगा? दैट विल बी टी बाई टू। फिर वापस यहाँ पर आएगा देन इट विल बी अगेन 3/4t, और जब यहाँ पर फिर से पहुँचेगा देन टी इज इक्वल टू टी। ओके, तो इस इक्वेशन में हम इस एक्स की वैल्यू रखते हैं और टी की वैल्यू क्या रखते हैं? टी की वैल्यू हम वो रखते हैं जब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो चुका होता है, और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है? स्टार्टिंग पोजीशन में। सो वी हैव टू कीप टी इज इक्वल टू जीरो। ये तो ये जब हम टी इज इक्वल टू जीरो रखते हैं उस समय हमारा इक्वेशन कैसा बन जाता है देखिए। एट टी इज इक्वल टू जीरो ऑल पॉइंट्स एट एम्पलीट्यूड, और इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स, और एक्स हमें कितना देना है? 0.375 इंटू कॉस जीरो, कॉस टी जीरो, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। सो ये 1 हो गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ 2/3 इंटू दिस पाई। इसका ये एंगल की वैल्यू हमने निकाली, उसकी साइन की वैल्यू निकाली, 0.06 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यू गेट ए रिजल्ट। ओके, दिस इज 0.25, दिस इंटू दिस इंटू दिस 0.25, एंड 0.25 इज 1/4। सो दिस विल कम टू sin π/4। sin π/4 इज sin 45, उसकी वैल्यू रखिए, एंड दिस विल कम टू 1/√2। एंड दिस गिव्स अस द आंसर दैट इज इक्वल टू 0.042। ये वाला मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो रास्ता याद रखिए, इस समय टी को जीरो लीजिए तो टाइम वेरिएशन वाला पोर्शन खत्म, एक्स के साथ वाई का रिलेशन, वाई का रिलेशन एक्स के साथ। एक्स की वैल्यू हमने रख दी 0.375, वाई की वैल्यू निकली, और जब टाइम जीरो होता है तो वाई ही एम्पलीट्यूड होता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सी क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव टू डिसाइड वेदर द वेव्स गिवन आर ट्रेवलिंग, स्टेशनरी और नाइदर ऑफ द टू। पहला इक्वेशन देखिए, वाई इज इक्वल टू 2cos sin दिस टी। तो ये इसका फॉर्मेट याद करिए, आपको दोनों फॉर्मेट याद हैं। ट्रेवलिंग वेव क्या होती है? sin kx-ωt, एक हार्मोनिक फंक्शन साइन, और ब्रैकेट में एक्स और टी दोनों वेरिएबल फंक्शन,
यहाँ पर नहीं है। दूसरी स्टेशनरी वेव, दो हार्मोनिक फंक्शंस, एक एक्स के लिए अलग और एक टी के लिए अलग, ये। सो दिस इज ए स्टेशनरी वेव। ओके, दूसरा वाई इज इक्वल टू टू रूट एक्स माइनस वी टी, इसमें तो कोई हार्मोनिक फंक्शन है ही नहीं, नाइदर साइन नॉर कॉस, दो ही हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और इसमें दोनों नहीं है, सो देर इज नो हार्मोनिक फंक्शन, सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए वेव, नन, नाइदर ट्रेवलिंग नॉर स्टेशनरी। अब तीसरा देखिए, वाई इज इक्वल टू थ्री साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेल दिस इज ए ट्रेवलिंग वेव, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेवलिंग वेव, सो ये एक ट्रेवलिंग वेव है विच इज नॉट सिंपल बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स। कैसी होंगी ये टू ट्रेवलिंग वेव्स, क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर आप समझ सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर योर नॉलेज। ये साइन है, साइन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग फेस है, यहाँ पर प्लस ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस इज ए वेव विच हैज एम्पलीट्यूड थ्री, वन टू थ्री। ओके, दूसरी कॉस, सेम फंक्शन पर कॉस, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, पाई बाई टू से, और एम्पलीट्यूड फोर, ये रहा फोर, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और उस समय ये कॉस वेव ऐसे स्टार्ट होती है फ्रॉम दी फुल एम्पलीट्यूड फ्रॉम वन साइड। ओके, तो ये इस तरह से बनेगी, यहाँ से दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, देखिए ये 2 पाई अपॉन लैम्डा दोनों के लिए सेम है, ये 2 पाई न्यू दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का लैम्डा बराबर है और दोनों की वेवलेंथ भी एक समान है, फ्रीक्वेंसी भी एक समान है, यानी टाइम पीरियड भी एक समान है, इसलिए ये डिस्टेंसेस पीक टू पीक वही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका पहला पीक आया है तो इसका ट्रफ यहां आएगा, फिर अगला पीक इसके ये पाई बाई टू का डिफरेंस है तो यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो ये वेव हमको इस तरह की बनी हुई मिलेगी। ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फोर, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, थ्री, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ज़ीरो साइन फंक्शन, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से कॉस फंक्शन, इसका एम्पलीट्यूड फोर, इसका ये, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की वेवलेंथ सेम, ये है दिस वन, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं डी, डी इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग,
See here, y is equal to cos x sin t plus cos 2x sin 2t. अब हम इसमें देख रहे हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी एबसेंट है, सो दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव. लेकिन साइन एक्स और या कॉस एक्स इंटू साइन टी ये प्रेजेंट है, और ये किसका फॉर्मेट है? ये स्टेशनरी वेव का फॉर्मेट है. सो दिस इज वन स्टेशनरी वेव एंड दिस इज अदर स्टेशनरी वेव. दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव्स. सो combination of two. Combination of two stationary waves. ये क्या आप इसकी drawing बनाना पसंद करेंगे? किस तरह से vibration हो रहे हैं? Try. एम्पलीट्यूड दोनों का एक समान है, करेक्ट. ये है कॉस एक्स एक्स टू एक्स. ये हमें क्या देता है? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद करिए, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स. एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? लैम्डा, टू पाई अपॉन लैम्डा. ओके, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा. और टी के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है. फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2. तो ये वाली वेव अगर जितनी फ्रीक्वेंसी 1 एक सेकेंड में एक, और ये एक सेकेंड में दो वेव बनती, तो ये पहली वेव है और दूसरी वेव कैसी होगी? यहाँ पर एक नोड और बनाइए, ये दूसरी वेव होगी. ये वाइट 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ये आ गया. तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों वेव ऐसी हो रही हैं. इस वेव में 1 2 3 ये पूरी 1 वेव है, और ये उस समय, ये हमने कहाँ से लिया? फ्रीक्वेंसी से. अगर आप वेव लेंथ से लेंगे तो वही रिलेशन आएगा, क्योंकि एक ही एक्स है और एक ही 2x है, राइट. हाँ, ये थोड़ा हो सकता है कि ये वेव कॉस से स्टार्ट हुई है, सो दिस मे हैव वन नोड. एनीवे, ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स, दिस इज नो वेव एंड दिस इज स्टेशनरी वेव. दिस इज हाउ वी सॉल्व नंबर 13. एंड नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 14. सी क्वेश्चन नंबर 14. It says a wire stretched between two rigid supports vibrate in its fundamental mode with a frequency of 45 hertz. ये दो support है और ये fundamental mode में vibration. इसका मतलब है कि दो node, one antinode और ये vibration. ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी है न्यू. दैट न्यू इज गिवन टू बी 45 हर्ट्स. ओके, मास ऑफ द वायर इज गिवन. मास ऑफ द वायर m इज गिवन टू अस एंड दैट इज 3.14
3.5 10 to the power 10 to the power minus 2 kg. ये एसआई सिस्टम में आ गया और इसके बाद इन्होंने हमको दिया है लीनियर मास डेंसिटी. अगर इस ये टोटल मास है तो नोटेशन अलग अलग बना लेते हैं. लेट अस राइट टोटल मास कैपिटल एम और लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ एंड दैट वी विल राइट एज 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के जी पर मीटर. इसे ये बड़ा देख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इसकी लंबाई 1 मीटर से कम होगी. राइट, ओके. अब हमें इसमें निकालना क्या है. ये गिवन क्वांटिटीज हैं. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग. एक हमें निकालना है स्पीड और दूसरा टेंशन. ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, दैट इज अवर क्वेश्चन. ओके, स्पीड टेंशन ये दोनों वैसे ही आपस में रिलेटेड होते हैं. हमें फॉर्मूला याद है v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन एम. दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ये तो हमको दिया है, तो टेंशन हमें फिर निकालना है. अब स्पीड और टेंशन दोनों नहीं पता है तो एक चीज हमें कहीं से लानी पड़ेगी. स्पीड, स्पीड का एक और फॉर्मूला हमको मालूम है. स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. ओके, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. अब फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है तो वेवलेंथ कहाँ से लाएंगे. वेवलेंथ हम यहाँ से लाएंगे. ये जो स्टेशनरी वेव बनती है फर्स्ट नोड में, उस समय इसकी लेंथ अगर एल है तो इसका लैम्डा से रिलेशन हमको पता है कि ये वाली लेंथ कितनी होती है. दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लैम्डा. ये तो अगर हमको ये लेंथ पता लग जाए तो उसको डबल करेंगे, लैम्डा पता लग जाएगा. लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से पता करेंगे, वी लग जाएगा, वी आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. और वी और एम हमको पता है तो टेंशन पता लग जाएगा. ये स्ट्रेटेजी है इसको सॉल्व करने की. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो इसकी लेंथ कहाँ से पता लगाएंगे. लेंथ पता लगाने का ये फॉर्मूला है कि ये मास पर यूनिट लेंथ है और ये टोटल मास है. तो लेंथ कितनी होगी. टोटल मास 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस मास इज इक्वल टू लेंथ. ये और ये कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये दोनों क्या है. ये है, देखिए, ये टोटल मास है और ये नीचे वाला मास पर यूनिट लेंथ है. मास पर यूनिट लेंथ, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों कैंसल हो जाएंगे. सो ये लेंथ आ गई. ओके, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया एंड व्हाट वी गेट इज 3.5 अपॉन 4. ये लेंथ है. सो दिस वी विल राइट एज 3.5 अपॉन 4. राइट, सो ये लेंथ किसके बराबर है. दिस इज हाफ ऑफ द वेव लेंथ जो वेव इसमें प्रोड्यूस हो रही है. तो वेव लेंथ कितनी हुई. देयरफोर लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 अपॉन 4. सो दिस इज 3.5 अपॉन 2 इज लैम्डा. तो वेलोसिटी अब हम कैसे निकालेंगे. वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. न्यू इज 45 इंटू लैम्डा इज 3.5 अपॉन 2. दिस इज वेलोसिटी. अब अगर हमें वेलोसिटी पता चल गई है तो टेंशन पे आते हैं. ये एक हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी का. अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. C
78.75 और SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पूरा काम हम मीटर में कर रहे हैं. ओके, ये V की वैल्यू आ गई. अब हमें टेंशन निकालना है, इस पूरे को स्क्वायर कर देते हैं. तो V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई M इज इक्वल टू टेंशन. टेंशन इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर किया है और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, V स्क्वायर इंटू M. ओके, सो टेंशन इज इक्वल टू V स्क्वायर, इसका स्क्वायर. ओके, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, 78.75 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ 4 इंटू 10^-2. और ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर 8.06 न्यूटन, बिकॉज दिस इज टेंशन, द यूनिट विल बी न्यूटन. तो ये हमारा इसका आंसर आएगा, दिस वॉज 15-14. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, ए मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड. ये एक ट्यूब है जो इस एंड में ओपन है और एक मीटर की ट्यूब है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है. ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है. जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो ये जो यहाँ पर एयर भरी हुई है उसकी एक फिक्स लेंथ हमको मिल जाएगी और उस लेंथ में रेजोनेंस होता है. ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं. हमने इसकी लेंथ को ऊपर नीचे किया और इसके ऊपर एक सोर्स लगाया. ये वाइब्रेशन के लिए एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे लगा दिया. इस ट्यूनिंग फोर्क से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाएंगी, इस बाउंड्री से रिटर्न होंगी. कभी हम इसको यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ. तो पहली बार ये देखा गया कि जब हमने यहाँ पर इसको रखा तो इसमें रेजोनेंस हुआ. और हम पढ़ चुके हैं कि उस समय रेजोनेंस के लिए यहाँ नोड बनता है और यहाँ एंटी नोड बनता है और ये वाली वेवलेंथ होती है लैम्डा बाई 4. इन्होंने बताया कि पहली बार जब रेजोनेंस फंडामेंटल इसमें सुनाई पड़ा तो उस समय फ्रीक्वेंसी सोर्स 340 हर्ट्स, इसका 340 हर्ट्स, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी है. ओके, पहली बार हमें सुनाई पड़ता है 25.5 सेंटीमीटर पे. तो यहाँ पर ये है 25.5 सेंटीमीटर. यहाँ पर एक बार रेजोनेंस सुनाई पड़ता है, दूसरी बार रेजोनेंस सुनाई पड़ता है जब ये 79.3 सेंटीमीटर पर होता है. तो 79.3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें सुनाई पड़ा और यहाँ पर है ये, आई विल राइट इट 79.3 सेंटीमीटर. अब हमारे नॉलेज से हमको मालूम है कि इस समय वेव्स कैसी होती हैं. तो ये दूसरा जो हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, ये सेकंड रेजोनेंस के समय यहाँ पर नोड बनेगा और ऊपर एंटी नोड बनेगा और ये वेव इस तरह से बनती है, ये स्टेशनरी वेव बनती है. तो हमको फिर से रेजोनेंस होता है और आवाज़ सुनाई पड़ती है. सो रेजोनेंस एट 25.5 और 79.3, ये दो जगह पर हमको रेजोनेंस मिलता है. ठीक, अब हमें ये निकालना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ओके, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए. तो बड़ा फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसके लिए हमें वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ये चाहिए. स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ऊपर से ट्रैवलिंग वेव आ रही है.
तो ये यहाँ से वेव आ रही हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये डाटा तो है हमारे पास। अब हमें लैम्डा का डाटा चाहिए, और हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह की वेव बनती है तो नोड से नोड तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर होती है, ये लेंथ होती है लैम्डा बाई टू के बराबर। ये देखिए ये, और यहाँ से ऐसा गया, और अगर ये यहाँ आता तो ये पूरी वन वेव होती। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, लैम्डा बाई टू, आधा लैम्डा, ठीक है, ओके। एक क्रेस्ट आया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये लैम्डा बाई टू है। तो लैम्डा बाई टू कितना मिला, दिस माइनस दिस, 79.3 माइनस 25.5, दिस इज इक्वल टू 53.8 सेंटीमीटर। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, लैम्डा बाई टू, और इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द साउंड कितना हुआ, लैम्डा इज 53.8 सेंटीमीटर, इसको क्या बना लेंगे हम, मीटर, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लैम्डा बाई 2 है 2, इसको मीटर बनाने के लिए 10^-2 सेंटीमीटर से मीटर बन गया, एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी विच इज 340, ओके। नाउ बस अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, एंड व्हाट वी सी हियर इज SI सिस्टम में काम किया है, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस। क्या हम इसको लेके बना सकते हैं, यस, देर इज जीरो एंड दिस इज 25.5, और ये वाली लेंथ कितनी होती है, दिस इज लैम्डा बाई 4। तो इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेकिन यहां पर हमेशा ये जो छोटा सा गैप है, ये गैप, ये एक एज इफेक्ट होता है जो कि इसमें हमको एरर देता है। तो इसको अगर आप 4 टाइम्स करके देखिए तो ये हमें कितना मिलेगा, 102, जबकि यहां पर कितना आया है, दिस इज 107.6, ये एक्चुअल लैम्डा की वैल्यू है। और यहां पर अगर हम इसको ले लेते हैं देन इट विल बी लिटिल एरोनियस, ये वाली एरर इसमें होती है। तो जब भी हमको फर्स्ट रेजोनेंस और सेकेंड रेजोनेंस दोनों दिए हो, हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके लैम्डा बाई टू करिए, और यही चीज़ आप प्रैक्टिकल में भी करिए यदि आप क्लास 11th में रेजोनेंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन की राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट द मिडिल। अब क्लैम्प्ड एट द मिडिल का मतलब होता है रॉड को मिडिल में क्लैम्प किया और दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा, पर एक्चुअली ये है, इट इज क्लैम्प्ड एंड देन इट इज प्लग्ड एट द मिडिल। इसका ये मतलब है कि हमने रॉड को ऐसे क्लैम्प कर दिया, क्लैम्प करके यहां पर इसको प्लग किया, तो उसमें वर्ड ऐड कर लीजिए, प्लग्ड एट द मिडिल। और ये क्या है, क्लैम्प, ओके। ये हो जाने के बाद अब इसमें इन्होंने लिखा है, हाँ, 2.53 किलोहर्ट्ज़ इज
fundamental frequency of the longitudinal vibrations in the rod. What is speed of sound in steel? Okay, iski length hai 100 centimeter. और इसको जब हम वाइब्रेट करेंगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट होगी और ये 100 सेंटीमीटर इस वेव की लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हमें याद रखना है कि जब रॉड को वायर को सेंटर से प्लग करते हैं तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लैम्डा बाय 2 के बराबर होती है. इसकी लेंथ लैम्डा बाय 2 के बराबर होती है ये दो नोड के बीच. सो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये किसके लिए है? फॉर फंडामेंटल वाइब्रेशन. ओके, उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2.53 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी. ओके, सो वेलोसिटी किस तरह से निकलती है? वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. किलो, किलो के लिए क्या लिखना है? 10^3 हर्ट्ज़. ये लैम्डा बाय 2 की वैल्यू है तो लैम्डा कितना हुआ? ऐसा ही सिस्टम में बनाइए, दिस इज 200 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर. तो ये फ्रीक्वेंसी और ये लैम्डा, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. दिस इज इक्वल टू 2.53 × 10^3 इंटू 2. This is equal to 5.06 into 10^3. This is equal to 5060 meter per second. This is the speed of vibration or the speed of waves in the rod. Rod ke andar is speed se wave jayegi, yahan se wapis aayegi. दोनों मिलकर आपस में स्टेशनरी वेव बनाएंगी और ये स्टेशनरी वेव जो है फ्रीक्वेंसी उसकी हमको मिलेगी 2.53 × 10^3 हर्ट्ज. और इससे हमने क्या निकाला कि ये जो वाइब्रेशन फर्स्ट होता है, ये जो एक्चुअल ये वेव की शेप होती है और ये दो क्लैंप दो नोड के बीच में ये लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है. उससे ये क्वेश्चन बना, ये आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17.